अगर आप भी ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज करते हो या ओप्पो रेनो, ओप्पो कोई भी फोन आप यूज करते हो या ओप्पो मोबाइल न्यू न्यू मार्केट से परचेज करके लेकर आए हो और वो ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन आपसे इस प्रकार किसी कारणवश पासवर्ड चेंज करने के दौरान, पैटर्न पिन चेंज करने के दौरान, जब आप अपना ओल्ड पासवर्ड को, पैटर्न को, पिन को भूल जाते हो फ्रेंड, तो आपका फोन फाइनली कुछ इस प्रकार से लॉक हो जाता है और अनलॉक नहीं होता है, तब जाकर आपने इस वीडियो को ओपन किया। तो फ्रेंड स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे और स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे ओप्पो मोबाइल का कोई भी लॉक कैसे तोड़ा जाता है, पासवर्ड हो या पैटर्न हो या पिन हो, आप उसको कैसे घर बैठे खुद से अनलॉक कर सकते हो। फ्रेंड इस वीडियो में हम आपको वो मेथड बताएंगे जिस मेथड से आप ओप्पो मोबाइल का कोई भी लॉक को घर बैठे अनलॉक कर सकते हो। फ्रेंड फ्रेंड आपको पता होना चाहिए कि जब आपका फ़ोन इस प्रकार से लॉक होता है और अनलॉक नहीं होता है तो आप अपने फ़ोन को लेकर काफ़ी परेशान और चिंतित हो जाते हो। फ्रेंड आप अपने फ़ोन को लेकर इस प्रॉब्लम में, इस समस्या को दूर करने के लिए, इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जाते हो सर्विस सेंटर या रिपेयर मोबाइल दुकानदार के पास, और दोनों जगह फ्रेंड आपका फ़ोन अनलॉक होता है। मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ सर्विस सेंटर वाले फ़ोन अनलॉक नहीं करते हैं, वो लोग भी फ़ोन अनलॉक करते हैं, लेकिन फ्रेंड वो लोग आपसे पैसा लेंगे पहला, दूसरा डाटा लेंगे, तीसरा आपके फ़ोन के अंदर वो लोग जो भी वर्क करेंगे आपको कभी नहीं दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो भी होगा आप लोग के सामने होगा, ना पैसा लिया जाएगा ना डाटा लिया जाएगा। आप अपने फ़ोन में जो फैमिली फ़ोटो, फैमिली ऑडियो, फैमिली वीडियो, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन, ऐप जो भी रखे हो वो आपका रिकवर होगा, एक भी डाटा डिलीट नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो फ्रेंड कि आपका ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन घर बैठे अनलॉक हो जाए, बिना पैसा दिए, बिना डाटा लॉस किए, बिना कंप्यूटर लैपटॉप के, बिना कोई इंटरनेट कनेक्शन के, अगर आपके पास सिम नहीं है, वाईफाई नहीं है, नेट नहीं है, तो भी आप इस मेथड को अपने ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन में अप्लाई कर सकते हो फ्रेंड, क्योंकि ये ऑफलाइन वर्क है। तो आइए फ्रेंड मैं बिना टाइम लिए ही इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि कभी भी ऐसी सिचुएशन में आप फंसो तो मेरे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके हमसे हेल्प ले सकते हो फ्रेंड। तो आइए फ्रेंड मैं फाइनली इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले जब आप अपने स्क्रीन के ऊपर स्वीप अप करोगे, आप देखोगे यहाँ पासवर्ड लॉक है, पैटर्न होता तो पैटर्न शो करता, पिन होता तो पिन शो करता। तो फ्रेंड यहाँ पे आप कौन सा वर्क कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालने के अलावा कोई वर्क नहीं कर सकते हो। फ्रेंड ऊपर में देखोगे कोई ऑप्शन नहीं है, दाएं देखोगे कोई ऑप्शन नहीं, बाएं देखोगे कोई ऑप्शन नहीं, नीचे आपका दिखेगा सिर्फ एक ऑप्शन जो होगा इमरजेंसी कॉल का, यही आपका वो ऑप्शन है जहाँ से आपको अपना फ़ोन अनलॉक करना है। अन्यथा आप यहाँ पे अपना पासवर्ड ट्राई करोगे जो रॉन्ग होगा, बार बार ट्राई करोगे यहाँ सेकंड शो करेगा, फिर ट्राई करोगे फ्रेंड यहाँ पे मिनट शो करेगा, ऐसे में आपका फ़ोन और भी डेथ होता चला जाएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड आपको फाइनली यहाँ पे इमरजेंसी कॉल दिख रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन और कुछ है नहीं, ऊपर दाएँ बाएँ कुछ नहीं है, नीचे सिर्फ इमरजेंसी कॉल है, फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन। तो हमको इस इमरजेंसी कॉल पर क्लिक करना है, और जब आप इमरजेंसी कॉल पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक न्यू डायलॉग ओपन होगा ठीक इसी प्रकार, और ये डायलेट आपका पासवर्ड का डायलेट नहीं है, ये आपका कॉलिंग का डायलेट है। तो इस डायलेट पे जो न्यू डायलेट आपका ओपन हुआ है, यहाँ पे आपको स्टार हैज 899 और हैज ये कोड सब लोग को याद रखना है, और आपके सामने एक पेज ओपन होगा जिस पेज का नाम यहाँ साफ साफ लिखा हुआ इंजीनियर मोड। तो आपको इस इंजीनियर मोड में चौथा नंबर ऑप्शन पे वर्क करना है, मैनुअल टेस्ट पे, चार नंबर ऑप्शन मैनुअल टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा। फर्स्ट पेज में कोई वर्क नहीं होता है, उसको कैंसिल करके नेक्स्ट कीजिएगा डिवाइस डबिंग पे। डिवाइस डबिंग पे आप जब आओगे ना फ्रेंड, तो आपको इतना सारा ऑप्शन दिखेगा ना, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बहुत सारे बंदे यहाँ आके कंफ्यूज भी होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सबसे पहले अपना फ़ोन का सेंसर चेक करना है कि आपके फ़ोन के अंदर जो सेंसर है वो एक्टिव है या डीएक्टिव है। तो फ्रेंड नीचे आइएगा तो आपको दिखेगा जी सेंसर, एक ऑप्शन के नीचे दिखेगा एम सेंसर, ये दोनों फ़ोन का सेंसर होता है फ्रेंड, ओरिजिनल सेंसर होता है जी सेंसर। तो हम जी सेंसर पे क्लिक करेंगे और ऊपर में क्लिक करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हो जी सेंसर के पास तीन एंगल एक्स वाई जेड और तीनों का तीनों वर्किंग में है। इसका मतलब क्लियर है फ्रेंड कि इस फ़ोन का सेंसर अभी तक एक्टिव है, अगर ये डीएक्टिव होता तो वर्किंग में नहीं होता। अब हम इसको बैक करेंगे, यहाँ से आपको पता चला इस फ़ोन का सेंसर एक्टिव है, डीएक्टिव नहीं है। जायरोस्कोप आप देख सकते हो फ्रेंड, जायरोस्कोप पे क्लिक करना, ग्राफ का जो ऑप्शन आया है यहाँ पे आपको क्लिक करके 10 सेकंड इसको रनिंग करते हुए छोड़ देना है फ्रेंड।
10 सेकंड ताकि आपके फोन में जो भी ईमेल जीमेल हो वो ऑटोमेटिकली तरीके से ब्रेकअप हो जाए, 1 हो या 100 हो ब्रेकअप हो जाएगा, 10 सेकंड करके छोड़ दीजिएगा, 10 सेकंड कंप्लीट, अब हम इसको बैक करेंगे। अब सेकंड नंबर ऑप्शन फ्रेंड, जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट, ये टेस्ट आपको देना होगा और यहाँ पे पास लाना होगा। बहुत सारे ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन में जब क्लिक कीजिएगा तो आपको स्टार्ट करने का ऑप्शन देगा, यहाँ पे स्टार्ट करने का ऑप्शन है या नहीं है वो तो हम क्लिक करने के बाद ही बता पाएंगे, लेकिन ये टेस्ट आपको देना है और यहाँ पे पास आएगा तो ही इस पेज से ज़्यादा बैकअप लेना है, बैक लेना है। अगर पास नहीं आएगा और आप बैक ले लिए फ्रेंड, तो आपका याद रहे बैकअप में जो हमने बताया है आपको डाटा रिकवर का जो मेथड, वो आपका मेथड करने के बाद भी डाटा रिकवर नहीं होगा, अगर यहाँ पे पास आएगा तो ही होगा डाटा रिकवर, अगर नहीं पास आएगा तो नहीं होगा। इसको कंटिन्यू ट्राई कीजिएगा जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट को, पास आएगा तो ही बैक आपको लेना है फ्रेंड। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट, जैसा कि आप देख सकते हो मेरा एक ही बार में पास आया है, तो अब हम इसको बैक करेंगे। यही वर्क आपको करना है, पास आए तो ही आना है पीछे, नहीं तो नहीं, डायरेक्ट इसी पे वर्क करते रहना। 3 नंबर ऑप्शन डाटा डिस्प्ले, आप देख सकते हो जहाँ पे हम आपको बताएंगे डाटा रिकवर कैसे किया जाता है, जो सर्विस सेंटर वाले आपसे पैसा और समय लेने के बाद भी आप लोग का डाटा रिकवर करके नहीं देते हैं, हम यहाँ पे आपको वो मेथड बताएंगे जिस मेथड से आप अपना डाटा रिकवर कर सकते हो घर बैठे। तो फाइनली डाटा डिस्प्ले पे आपको क्लिक करना होगा, जब आप क्लिक करोगे आपके सामने 3 XYZ एंगल नीचे की ओर इंक्रीज कर रहे होंगे आपके भी फ़ोन में, तो इसको 30 तक इंक्रीज करने दीजिएगा। ये अगर 30 तक आपके फ़ोन में इंक्रीज करता है, बढ़ता है, तो आपका टोटल का टोटल डाटा ही ये रिकवर हो रहा है फ्रेंड, आप देख सकते हो 30 प्लस हो चुका है। तो अब हम इसको बैक कर लेंगे, अब हम यहाँ से भी बैक करेंगे और चले जाएंगे सबसे लास्ट पेज पे फ्रेंड, जिसका नाम होगा अदर्स। यहाँ पे आने के बाद सेकंड नंबर ऑप्शन पे आपको वर्क करना है, रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है, कैंसल और ओके, फर्स्ट टाइम में कैंसिल करना है और सेकंड टाइम में इसको ओके करना है। अगर ये रॉन्ग पासवर्ड आपके ही फ़ोन में शो हो रहा है फ्रेंड, तो आप समझ जाइएगा कि पासवर्ड पैटर्न पिन वो रीसेट होना स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए वहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड शो किया आपके स्क्रीन में। 3 नंबर ऑप्शन की स्टेटस, की बोले तो चाबी, चाबी बोले तो लॉक, तो बस सिंपल तरीके से यहाँ पे आपको क्लिक करके चेक करना है पास है या फेल है, बस इतना ही क्लिक करके चेक करना है आपको। मैंने क्लिक किया और आप देख सकते हो नेम में जितना भी की है फ्रेंड, स्टेटस में आप देखोगे ऊपर से नीचे तक पास 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 है, इसका मतलब जितना भी आपके फ़ोन में लॉक था, पासवर्ड पैटर्न पिन फिंगरप्रिंट लॉक स्क्रीन लॉक, वो टोटल का टोटल रिमूव हो चुका है, इसीलिए यहाँ पे पास शो कर रहा है। तो बैक लीजिएगा, डाटा बेस वर्जन पे 2 टाइम क्लिक कीजिएगा, ओनली 2 बार, 1 एंड देन 2। अब आपको लास्ट ऑप्शन दिख रहा है रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर का, यहाँ पे क्लिक कीजिए और अगर यहाँ पास आ गया तो आपका फ़ोन अनलॉक है, वो भी विदाउट डाटा लॉस है। तो आइए फ्रेंड हम देखते हैं पास है या फेल, तो रीडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर भी हमारा पास है। तो आपके फ़ोन में होम बटन है तो होम बटन पे क्लिक कीजिए, यदि स्वीप अप का ऑप्शन है तो स्वीप अप कीजिए और चेक कीजिए कि आपका फ़ोन अनलॉक हुआ है या नहीं। जी हाँ फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन अनलॉक हो चुका है, वो भी विदाउट डाटा लॉस हो चुका है, इस फ़ोन का एक भी डाटा डिलीट नहीं हुआ है। अगर आप अभी सर्विस सेंटर जाते हैं इस मेथड को, इस वीडियो को छोड़कर, तो आपका पैसा लगता, समय लगता, डाटा लगता और ये फ़ोन भी अनलॉक होता, लेकिन पैसा और समय डाटा देने के बाद, लेकिन यहाँ पे आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं हुआ है, पैसा ही बचा है, समय ही बचा है। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और आपके पास किसी भी कंपनी का फ़ोन है लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, मेरे YouTube चैनल पे मॉडल नंबर के साथ कमेंट कीजिए, मैं आपका पूरा मदद करूंगा फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। 10 मिनट के अंदर पासवर्ड पैटर्न पिन जो भी होगा आप चेंज कर लीजिएगा।